सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ एसयूसीआई की ओर से निकाली गई रैली गिरजा मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए ट्रैफिक मोड़ के पास आकर समाप्त हुई। इस मौके पर एसयूसीआई के जिला कमेटी सदस्य बाबला विश्वास ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की है, जब तक संसद में इसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है। काले कृषि कानून बिल को संसद में रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रैली आयोजित की गई है। एसयूसीआई के आंदोलन में शामिल है कृषकरा, काला कृषि बिलेर विरुद्ध, कृषि आयोग विरुद्ध एवं कृषि आंदोलन से जुड़े सभी शहीद किसानों को सलाम। दीर्घ एक बचर धरे काला बिजली कानून 2021 वापस नहीं करेছিল, যতদিন না তার काला बिजली कानून 2021 वापस ना चलिए जाबे। कृषि आंदोलन से सीख ले महंगाई को रोक दे, आगे হচ্ছিল না এত দিনে। कृषि आंदोलन से सीख ले महंगाई को रोक दे, অ্যাসিস্ট মোদি তাদের কাছে মাথা নত করে সবই কৃষি অনাজও প্রমেস্টিকা নিশ্চিত করণ দেনা পড়েগা কৃষি আই ফেরত নেবে সবই কৃষি ইতিমধ্যে অনাজও এমএসপি এটা নিশ্চিত করণ মেনে নিয়েছে এবং তারা ঘোষণা করেছে শীতকালীন অধিবেশনে এটাকে আইনানুগভাবে সংসদে বাতিল করে দেওয়া হবে। আমরা সবাই কৃষকও লাল সালাম ইনকা জিনা পাওয়া লাগবে আইন করা।